हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि गुस्सा क्यों आता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। इसका उत्तर है, नियंत्रित क्यों किया जाए, नियंत्रित क्यों करना है। खुद पर गुस्सा करिए, अपने ऊपर गुस्सा करिए, नियंत्रित करने की क्या ज़रूरत है। और बात फिर ये नहीं है कि गुस्सा क्यों आता है, बात ये है कि गुस्सा किसको आता है। सात्विक मन को गुस्सा आता है क्योंकि उससे सत्य छिन रहा है, तो ये गुस्सा अच्छा है। वही तामसिक मन को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उससे उसकी बेहोशी को छीना जा रहा है। जब तामसिक मन को गुस्सा आए कि उससे उसकी बेहोशी छिन रही है, तो ये जो गुस्सा है उसका, ये गुस्सा नाजायज है, ये गुस्सा गलत है। लेकिन वहीं जब सात्विक मन को गुस्सा आए इसलिए क्योंकि उससे सत्य को छीना जा रहा है, तो वो गुस्सा करना जायज है और वो गुस्सा अच्छा भी है। इसलिए ये देखिए कि आपका जो गुस्सा है वो सही है या फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गुस्से में हैं सात्विकता के लिए, लेकिन सामने वाले की बात कैसे करें, जो सामने वाला है वो कैसे समझ पाएगा कि हमारा जो गुस्सा है वो सही है या गलत है। सामने वाले की तो बात ही नहीं है। आप सारी बात तो सामने वाले की करते हैं, लेकिन अभी सबके बीच में कौन है, आप कि मैं? सबके बीच में कौन है, मैं हूँ, और मैं सामने वाले की बात ही नहीं कर रहा। आप बीच में भी नहीं हैं, आप परिधि पर खड़े हुए हैं। आप बात कर रहे हैं सामने वाले की, बीच में तो सब रहते हैं, मैं भी बीच में रहता हूँ। बीच में रहने से ये निर्धारित नहीं हो जाता है कि दृष्टि लगातार बहिर्मुखी ही रहती है। मन की कमजोरी के कारण जो दृष्टि होती है वो बहिर्मुखी हो जाती है, बीच में रहने से नहीं होती वो बहिर्मुखी।